रिफाइनरी ट्रांसपोर्ट सर्विस के एक पूर्व कर्मचारी अनिल कुमार ने कंपनी ट्रांसपोर्ट में चल रहे एक बड़े गोलमाल का खुलासा किया है। इस खुलासे के अनुसार इंडियन ऑयल रिफाइनरी के लिए बस चला रहे अधिकतर ड्राइवरों के लाइसेंस फर्जी हैं। इतना ही नहीं, कई चालकों के द्वारा दिखाए जा रहे लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जारी है। नागालैंड व उत्तर प्रदेश से बनवाए गए ड्राइविंग लाइसेंसों की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। बावजूद इसके ट्रांसपोर्ट ठेकेदार फर्जी लाइसेंस वाले चालकों से बसें चलवा रहे हैं। रिफाइनरी की बस सर्विस के चल रहे इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद बस में सफर करने वाले कर्मचारी के साथ कंपनी की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि फर्जी लाइसेंस धारक ड्राइवर इसी आईडी के जरिए रिफाइनरी के अंदर प्रवेश करते हैं। मामले के शिकायतकर्ता अनिल कुमार का आरोप है कि ट्रांसपोर्ट ठेकेदार अपने मुनाफे के लिए इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। अनिल ने बताया कि वैध हैवी लाइसेंस और हरियाणा रोडवेज से स्वीकृत बस चालक पूरी तनख्वाह की मांग करते हैं, जबकि यूपी और नागालैंड से लाइसेंस लेकर आए लोग कम सैलरी पर तैयार हो जाते हैं। अवैध लाइसेंस चालकों को 11 से 12 हजार रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है, जबकि 16 से 18 घंटे काम लिया जा रहा है। इस मामले की शिकायत अनिल ने सीएम विंडो स्थानीय प्रशासन व रिफाइनरी प्रबंधन को दी है। कंपनी की ट्रांसपोर्ट सर्विस में चल रहे गड़बड़ी उजागर होने के बाद कंपनी प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेते हुए रिफाइनरी के जीएम अनिल कुमार ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जीएम अनिल कुमार ने बताया कि फर्जी लाइसेंस का प्रयोग होना गंभीर मामला है, कंपनी व कर्मचारी की सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, ये रिफाइनरी ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ मामला ऐसा है, यहाँ पे जो बसें चलती हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, IOCL ने इनको लगा रखा है, 2-3 कॉन्ट्रैक्टर हैं और इनकी बसों पे जो चलने वाले हैं ये आधे से ज्यादा फर्जी लाइसेंस चालक हैं। कुछ यूपी के लाइसेंस चालक हैं, उन पे पैसेंजर बस चलाना अलाउड नहीं है। मैंने आज RTO से पता किया था, वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है। और कुछ हैं यहाँ पे लोकल हैं, उनका तो कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड पता ही नहीं है कुछ भी। ये रिफाइनरी की सुरक्षा के साथ साथ आम आदमी की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये रिफाइनरी प्रशासन को पता होगा क्यों डाल रहे हैं, इतनी अहमियत नहीं देते शायद ये किसी की जिंदगी को। बहुत ही फर्जीवाड़ा चल रहा है यहाँ पे IOCL की रिफाइनरी बसों में। तो जो ड्राइवर हैं काम कर रहे हैं, इनके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर किस तरह से फर्जी तैयार किया गया है? सर, ये मैंने एक रिकॉर्ड चेक करवाया था ऑनलाइन, तो जो इनके लाइसेंसों पे फोटो है वो एक बंदे की 2-2 लाइसेंसों पे लगी हुई है। मेरे पास रिपोर्ट भी है, मैंने आपको दिखाया भी था वो पहले। और जो ये इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करते हैं ना, तो ये नाम किसी के और पता किसी के और के नाम पे है, इनका कुछ पता ही नहीं लगता कहाँ से बनवाए हैं कहाँ से नया बनवाए हैं। रवि कुमार, बस कब से चला रहे हैं आप? 2016 से। रिफाइनरी के लिए चलाते हैं? हाँ। कितनी सैलरी है आपकी? 11,000 रुपए। प्लस क्लियर। तो कोई आई कार्ड वगैरह है आपका? आई कार्ड मतलब? आप रिटायर IOCL की बस चला रहे हैं, कोई आई कार्ड वगैरह बनाया है क्या आपका? हाँ। दिखाएं। DL है आपके पास? ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना, ड्राइविंग लाइसेंस। कहाँ का बना हुआ है? नागालैंड। कब बनवाया आपने? ये 2014 में। इससे पहले कहाँ बस चलाते थे आप? किसी की चलाता था। वहाँ से लाइसेंस बनवा के सीधा आपने रिफाइनरी की बस चलाई है? नहीं, पहले पंजाब की चलाता था। अच्छा। फिर उसके बाद पाल में एक साल हुआ है। एक साल हुआ है। उससे पहले पंजाब की बस चलाते रहे। हाँ।